हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, डीयू के अंदर जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ले रखा है सोल, एनसीबीएप और रेगुलर में, जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके मन में सबसे बड़ा जो डाउट रहता है कि सर, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, क्या वो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्टूडेंट का। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो नेचर होता है वो हम क्या करते हैं, हम दूसरे को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी का कोई लड़का है, वो अगर कोई चीज़ ले रहा है तो हम उसको ले कॉपी करते हैं कि हम भी वही करेंगे। तो ऐसी आपको पता है कि आपकी औकात जब हिंदी है तो फिर हम फॉलो करते हैं इंग्लिश लेने की, तो हम क्या करते हैं इंग्लिश मीडियम ले लेते हैं। जब हम बुक खोलते हैं तब हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो बस की नहीं है, ये तो औकात से बाहर है हमारी, तो हमें अब हिंदी मीडियम में लिखना है। तभी ये क्वेश्चन उठ जाता है कि सर, मैंने तो इंग्लिश मीडियम ले ली क्योंकि मेरे फलाने दोस्त ने ले रखी थी, अब मुझे हिंदी मीडियम में पेपर देना है, सर मेरी बस की नहीं है। इंग्लिश में मुझे मीडियम अच्छा लगता है बट लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं समझ सकता हूँ कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहकावे में आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, फिर इकोनॉमिक्स उनकी ले लेती है, वो अलग बात है। तो मैं उनको बता देता हूँ, एक्चुअली जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम जिन्होंने ले रखी है, क्या वो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं? तो मेरा जो जवाब है वो है यस, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, उसके ऊपर ये एक दिशा निर्देश रहता है दो लाइनों का, उसमें लिखा रहता है कि इस प्रश्न का उत्तर एक ही भाषा में होना चाहिए, या इंग्लिश या हिंदी में। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप एक आंसर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, फिर जाके नीचे जाते जाते आपकी अंदर की देसी आत्मा जागे, फिर आपने हिंदी स्टार्ट कर दी, फिर दोबारा आप अंग्रेजी लाइन में चले गए, फिर आपने अंग्रेजी स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं, या तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो आंसर दोगे वो आप इंग्लिश में दोगे, या पूरा का पूरा हिंदी में दोगे। ऐसे संस्कृत वालों के साथ है, संस्कृत वाले या तो पूरा संस्कृत में लिखेंगे, या इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, किसी को कॉपी मत करो, जो जितनी जिसकी बस में है वही सब्जेक्ट लेने चाहिए। ऐसा मत सोचो कि मैं इकोनॉमिक्स लूँगा, जिसने इकोनॉमिक्स लिए मैं इंग्लिश मीडियम लूँगा, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ बट मेरी औकात तो हिंदी वाली है, एग्ज़ाम में आप हिंदी में लिख के आ रहे हो और दिखा आप इंग्लिश मीडियम रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। देखो, हम तो साफ सीधी बात बोलते हैं, स्टूडेंट इसीलिए हमें पसंद करता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप बिल्कुल भैया लिख सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, दोनों लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक अलग मैटर है कि आपने मीडियम कुछ भी ले रखा हो, ठीक। मेरा मकसद है आपको समझाना, और देसी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, तो मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फर्दर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।